हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गवर्नमेंट जॉब सेंटर के नए और एक्साइटेड वीडियो में। जैसे कि आप अपने थंबनेल पर देख पा रहे हैं, एसएसबी रिक्रूटमेंट 2019-20 यानी 2020 में बहुत बड़ी वैकेंसी निकलने वाली है जो होगी एसएसबी रिक्रूटमेंट 2019 के तहत। इसमें जो आपकी वैकेंसी होगी दोस्तों, हेड कॉन्स्टेबल की वैकेंसी होगी, एसआई की वैकेंसी होगी और एक चीज़ इसमें कॉन्स्टेबल की वैकेंसी भी जुड़ने वाली है। तो बहुत बड़ी वैकेंसी आपके लिए। और इस चीज़ को अगर आप मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, नया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और सामने बेल आइकन है, बेल आइकन दबाकर मेरे इस चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। दोस्तों जैसे कि देख पा रहे हैं, एसएसबी रिक्रूटमेंट हेड कॉन्स्टेबल एसआई पोस्ट रिक्रूटमेंट 2019 एप्लीकेशन फ्रॉम एसएसबी फ्रॉम सशस्त्र सीमा बल में ये वैकेंसी होने वाली है। ये ऑल इंडिया कैंडिडेट की होने वाला है दोस्तों, ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए है। इसमें जो आपकी वैकेंसी होगी दोस्तों, इसमें जो टोटल आपकी वैकेंसी होगी लगभग 500 से लेकर 1000 यानी 1 के वैकेंसी यानी 1000 तक वैकेंसी होने वाली। इसके लिए आपकी जो योग्यता है लगभग 10th 10वीं पास या 12वीं पास हो सकती है। और इसकी जो एप्लीकेशन फार्म है दोस्तों, ये 100 रुपये हो सकती है, क्योंकि इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म ज़्यादा भी नहीं मिली, इसलिए 100 रुपये एप्लीकेशन फीस इस बार होने वाली है। उसके बाद जैसे कि आप देख रहे क्या क्या टेस्ट क्या पहले होगी, सबसे पहले आपकी जो होगा वो होगा फिजिकल स्पेशलिटी टेस्ट, यानी फिजिकल पहले, उसके बाद रिटन टेस्ट होगा। इसके बाद आपको कोई भी मेडिकल इसमें नहीं दी गई है, डायरेक्ट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके इसमें आपको एंट्री मिल जाएगी। अगर हो सकता है मेडिकल भी हो सकता है तो मेडिकल के लिए भी आप प्रिपरेशन कर लीजिएगा। जैसे कि आप नीचे अगर देखते हैं तो इसमें जो आपको वैकेंसी होगी दोस्तों, सब इंस्ट्रक्टर कमर्शियल की होगी। उसके बाद आपकी जो वैकेंसी होगी वो होगा सब इंस्पेक्टर कमर्शियल कॉप इंस्पेक्टर की वैकेंसी होगी। उसके बाद हेड कॉन्स्टेबल यानी कॉन्स्टेबल की भी वैकेंसी होगी और हेड कॉन्स्टेबल की वैकेंसी इसमें आपको जुड़ने वाली है। और नीचे आए तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ऑनलाइन पर सेंट्रल जॉब, ये सेंट्रल जॉब है, जॉब लोकेशन जो होगी इस बार पोस्टिंग जेएल की होगी यानी जम्मू और कश्मीर में। इसकी और इसकी अपलाइन जो ऑनलाइन करेंगे इस दोस्तों, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ssb.nsc.in यानी SSB की ऑफिशियल वेबसाइट में इसकी ऑनलाइन होगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें, SSB SI SCR SI की बात करें और हेड कॉन्स्टेबल और कॉन्स्टेबल की बात की जाए तो इसमें जो आपकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी दोस्तों, डिग्री फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकॉम केमिस्ट्री मैथ अगर डिग्री हो ये भी चलेगा, मेट्रिकुलेशन की डिग्री जैसे 10+2 डिग्री है, 50% अगर आपका है तो चलेगा, 50% मार रही है तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फॉर SI 10+2 पास होना जरूर चाहिए, हेड कॉन्स्टेबल 10+2 पास होनी चाहिए और फॉर SI के लिए भी 10+2 पास है प्लस नर्सिंग सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में फिर 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स अगर आप की है तो SI के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो कॉन्स्टेबल हेड कॉन्स्टेबल के लिए आप 10वीं 12वीं पास किए हैं तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर एज लिमिट की बात करी जाए तो हेड कॉन्स्टेबल SI पोस्ट रिक्रूटमेंट पर 18-25 ईयर पोस्ट 18 से 30 साल और OBC के लिए 3 साल के आरक्षण और SC ST के लिए 5 साल के आरक्षण इसमें रखी गई है दोस्तों। इसमें 10 ईयर 30 ईयर तक भी अप्लाई कर सकते हैं जो ST कैंडिडेट हैं और जो गढ़वाली कुमाऊं इसके लिए लगभग 6 साल इसमें रजिस्ट्रेशन दी गई है। जैसे इसके एग्जाम पैटर्न की बात की OMR sheet में होगा दोस्तों, OJT टाइप क्वेश्चन 100 मार्क की होगी। इसमें आपको जो पूछे जाते हैं GK GS की कुछ ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं दोस्तों, ये जब डिस्ट्रेटेड एग्जाम होगा लेकिन OMR sheet में जो होगा। इसके बाद अगर बात की तो मार्क भी इसमें बहुत सारी दी गई है। इसके क्या क्या पहले होगा, फिजिकल स्पेशलिटी होगा, इसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद लास्ट में जो होगा दोस्तों वो होगा आपका मेडिकल टेस्ट। उसके बाद हाइट की अगर बात की जाए तो ऑल इंडिया कैंडिडेट मेल जो एक्सपीरियंस जो है उसकी जो हाइट होगा दोस्तों वो
68 हाइट होगा, तो 170 से भी कम के वाले बच्चे इसमें अप्लाई जरूर कर सकते हैं। और फीमेल का जो हाइट होगा दोस्तों 157 होगा। उसके बाद चेस्ट की बात करिए, जो चेस्ट मेल कैंडिडेट के लिए 80 cm बिना फुला फुला 85 cm आपका होना चाहिए। और एसटी कैंडिडेट और कुमाऊं जो ग्रोवाली जे एन के वाले कैंडिडेट के लिए 76 cm बिना फुला फुला के 81 cm होना चाहिए दोस्तों। और वेट के बाद इस पर एच रिलेटेड इसके आपके वेट होना चाहिए। और फिजिकल किस एजेंसी को दिया जाएगा, फिजिकल ये लगाओ SSB के ऑफिशियल स्टाफ आपके फिजिकल लेंगे दोस्तों। रेस जो होगा इसमें रेस होगा 1.6 किलोमीटर विद इन 6.5 मिनट, यानी 6.50 सेकेंड में आपकी रेस होगी ऑल मेल और फीमेल कैंडिडेट। उसके बाद लॉन्ग जम्प भी होगा दोस्तों, लॉन्ग जम्प होगा 3.65 मीटर 3 चांस दिए जाएंगे इसमें। और फीमेल कैंडिडेट को 9 फीट 3 चांस में आपको ये करना होगा फीमेल कैंडिडेट के लिए। इसका जो मेरिट बने दोस्तों कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर से पैरेलली बेसिक मार्क ऑफ आप जो जो रिटिन में मार लाएगा अगर फिजिकल में अगर अच्छा अगर मार्क रखेंगे तो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट हिसाब का जॉब मेरिट लिस्ट हिसाब से आपको जॉब मिलेगी दोस्तों। और एप्लीकेशन फीस की अगर बात कीजिए तो इस पास एप्लीकेशन फीस ये होगी 200 रुपये SC OBC और जनरल कैंडिडेट के लिए, और ST कैंडिडेट के लिए लगभग 100 रुपये हो गया इसकी एप्लीकेशन फीस। उसके बाद ये सारी थी इंफॉर्मेशन और क्वालिटी इसकी जल्द से जल्द आने वाली, और इसकी वैकेंसी भी नोटिफिकेशन आ गई दोस्तों। तो अगर आप इच्छुक हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अगर कोई सुझाव हो तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक होगी दोस्तों, तो इसका आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो मैं लगभग आपके लिए बनाते रहता हूँ। तो प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, तो मेरा चैनल जो ग्रोथ करेगा। और मैं SSC रिलेटेड मेडिकल टेस्ट में वीडियो अपलोड करने वाला, तो प्लीज़ दोस्तों इस मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और SSB जैसे ही इसकी ऑनलाइन स्टार्ट हो गई तो मैं आपको वीडियो बना करके इसकी कैसे ऑनलाइन की जाती है पूरी प्रोसेस दिखाऊंगा। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।